हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आनविश किचन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और सूजी का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, जिसको हमने सिर्फ एक चम्मच ऑयल में बनाकर तैयार किया है, जिसे आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की छोटी छोटी भूखों में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए हमने कम से कम सामान भी यूज़ किया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से छील लिया है और छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन आलू को हम मिक्सर जार में डालेंगे। इसके बाद हम 2 कप सूजी डालेंगे। हमने लगभग 150 ग्राम आलू और 100 ग्राम सूजी डाला है। इसके बाद हम इसमें एक छोटी कटोरी दही डालेंगे और इन सबको अच्छे से एकदम बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही हमें इसे पीसना है, क्योंकि हमारा जो आलू है वो भी पानी छोड़ेगा और साथ में दही भी हमने इसमें डाला है। तो हम इसका एक पतला और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो कितना स्मूथ और चिकना तैयार हुआ है। हमें ऐसे ही पेस्ट बनाना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने पेस्ट को बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च वही है जो कि लाल हो चुकी है। ज़्यादातर हम जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो कभी कभी हमें मिर्च में मिल जाती है रेड कलर की, तो ये वही लाल मिर्च है। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारे नमक और मसाले हैं वो हमारे पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे रखेंगे तड़के वाला बर्तन, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई। तो अब हमारा राई चटकने लगा है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम ये तड़के को अपने पेस्ट में डालेंगे और इसे भी मिला करके मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 पैकेट इनो। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब हम इसे बनाएंगे तो ये थोड़ा फूलेगा, तो फूलने के लिए हम इसमें इनो डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम 1 छोटा थाली लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारे थाली में सारा ऑयल अच्छे से ग्रीस हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे, ये एक बराबर में एक लेवल में हो जाए। फ्रेंड्स, हमें थाली को एकदम पूरा नहीं भरना, इसे थोड़ा सा ही भरना है और खाली भी रखना है ताकि जब ये फूले तो थाली से बाहर ना आए। इसके बाद हमने पहले ही एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम एक स्टैंड लगाएंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप एक प्लेट इसमें डाल दें। उसके बाद हम अपने जो पेस्ट का थाली है वो इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि जो हमारा कढ़ाई है वो बहुत ही गर्म है। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से पक रहा है और ये सूख भी रहा है। तो अब 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो अच्छे से सूख गया है। अब इसे हम 10 मिनट ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम चाकू की सहायता से इसके किनारे किनारे का निकालेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर लगाएंगे और इसे उल्टा करके पलट देंगे। जैसे हम केक को निकालते हैं वैसे इसे धीरे धीरे दबाते हुए इसे निकालेंगे। आप इसे ठंडा करके ही निकालिएगा क्योंकि हमने थोड़ा जल्दबाजी में इसे गर्म में ही निकाल दिया था, तो ये बीच से थोड़ा थोड़ा टूट गया है।
तो आप इसे ठंडा करके ही निकालिएगा। तो अब हम इसे चाकू की सहायता से स्क्वायर स्क्वायर पीसों में काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम गैस पर एक तवा रखेंगे और उस पर एक चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम गैस पर तवा रखेंगे और उस पर एक चम्मच देसी घी डालेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे। इसके बाद अगर आपके पास ताजी करी पत्ता हो तो आप ताजी करी पत्ता डालिए। मेरे पास तो ताजी करी पत्ता नहीं थी, इसलिए मैंने उसे पहले से ही सुखा कर रख लिया था, तो मैं वही डालूँगी। अगर आपके पास ताज़ा हो तो आप उसे इसमें डालिए, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, अब इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम अपना तैयार किया हुआ जो नाश्ता है उसको तवे पर रखेंगे और दोनों साइड से इसे गोल्डन होने तक सेकेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। फ्रेंड्स, हम इसे दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए गोल्डन सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, है ये ना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और सिर्फ एक या दो चम्मच घी में बनके तैयार हुआ है। तो फटाफट इसे आप भी ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपका एक सपोर्ट हम लोग के हौसले को कितना बढ़ा देती है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।